हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट अबाउट टुडे चैनल पर। तो इस चैनल पर हम डिस्कस करने वाले कुछ अमेजिंग डिस्कवरी जो हिस्ट्री में हुई थी। तो मैं हूँ विजय दास और आइए शुरू करते फैक्ट नंबर वन। 5 सितंबर 1977 को नासा के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया। उस सैटेलाइट का नाम था वोयेजर 1। वो सैटेलाइट आज भी नासा से कम्युनिकेट कर रहा है। वो सैटेलाइट पृथ्वी से 22.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और उस सैटेलाइट को स्पेस में आज 18 सितंबर 2020 को 43 ईयर पूरे हो चुके हैं और यह सैटेलाइट इंसानों के द्वारा बनाए गए सभी चीज़ों में पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाली ऑब्जेक्ट भी बन चुकी है। तो आइए शिफ्ट होते हैं फैक्ट नंबर टू पे। आज ही के दिन 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी टाउन में इंडियन आर्मी पे 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 4 आतंकवादी थे जो बहुत सारे बॉम्ब, बंदूक और गोलियों से लैस थे। यह आतंकवादी हमला जैशी मोहम्मद के द्वारा प्लान किया गया था। इस हमले में भारत ने अपने 19 जवानों को खो दिया और 4 हमलावरों को भी मार गिराया। हम सभी के तरफ से उन सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान ने कभी उम्मीद नहीं की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ये मिशन का नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। इस स्ट्राइक के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए आप पूरी मूवी की सहायता ले सकते और आप में से काफी लोगों ने उस मूवी को देखा भी होगा। तो हिंदुस्तान ने 28 सितंबर को उरी हमले के 11 दिन बाद पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड 150 आतंकवादियों को मार गिरा। जय हिंद। फैक्ट नंबर 3, हांगकांग में आया तूफान। 18 सितंबर 1906 में एक ऐसा तूफान आया जिसने हांगकांग की पूरी धरती का चेहरा ही बदल दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस हादसे में लगभग 1500 लोगों की मौत हुई थी, जो कि हांगकांग के पूरे पॉपुलेशन का 5% और हांगकांग को मिलियंस ऑफ पाउंड का नुकसान का भी सामना करना पड़ा। तो आते हैं फैक्ट नंबर 4। आज ही के दिन 18 सितंबर 1809 में कोवेंट गार्डन सेंट्रल लंदन में रॉयल अपोरा हाउस की ओपनिंग हुई। तो आइए शिफ्ट होते हैं फैक्ट नंबर 5। 18 सितंबर 2014 यूके। स्कॉटलैंड सिटी के कुछ लोगों को लगता था कि स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, तो वहां के लोगों ने मिलकर वोटिंग किया। वोटिंग का रिजल्ट आने पे यह पता चला कि स्कॉटलैंड के लोगों को यूके के साथ जुड़े रहने में कोई परेशानी नहीं। उनसे जवाब यस एंड नो में लिया गया था। 55.3% लोगों ने यस में जवाब दिया और 44.7% लोगों ने नो में जवाब दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो डाल दीजिए। प्लीज़ लाइक माई वीडियो।